ठीक है, तो आप किस तरीके से संस्था कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट आप गौ के दूध से बना रहे हैं और किस तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं? जैसे सबसे पहले हम गौ के गोबर की बात करते हैं जी, तो गौ के गोबर से हमारा एक जहां कुंजपुरा में जाता है और वहां से इसको इससे बिजली बनाई जा रही है जी। और जो गौमूत्र गौ अर्क है उसको अर्क को यहां अर्क निकाल के उसका तो यहां की एक फनेल बनती है जी। फनेल बनती है जो घरों में छुद्दी का पोचा का मारने के और जहां भी आप समझते हैं फनेल की ज़रूरत है वहां वो लगा सकते हैं। और एक वो बिल्कुल प्यूरीफाई करया हुआ एक प्रोडक्ट है और उससे जो है एक घर में कहते हैं ना वो एक अच्छा माहौल बनता है उस फिनाइल के पोचे से। तो ये एक तो ये प्रोडक्ट है। दूसरा हमारे यहाँ के ना आटे के बिस्कुट बनाते हैं जो गाय का घी है यहाँ का उसका और गाय के दूध का, गाय के दूध और गाय के घी से ही हम यहाँ के आटे के बिस्कुट बनाते हैं और वो तो एक बार जो भी खाएगा उसका फैन हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है क्योंकि वो उसमें प्योरिटी है। और ये और देसी गायें हैं जो हमारे पास, बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग आते हैं जिनको कोई कैंसर पेशेंट है, कईयों को बच्चों को दूध मदर का फीड नहीं सिखाती, तो उनके लिए देसी गाय का जो दूध है वो भी एक अमृत नियामत है। तो वो भी यहाँ हम उनको लिए अलग कर रखवा के जैसे डिमांड आती है तो अलग रखवा के वो भी सेवा करते हैं। कि ये मानव की सेवा भी ये कहते हैं, देसी गाय का जो दूध साल भर पी जाता है तो उसके अंदर 1-10 ग्राम सोने का जमा हो जाता है। इसके देसी गाय के दूध में इतनी ही अच्छी इतनी शक्ति होती है कि नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हम करनाल हरियाणा में हैं और आज दोस्तों हम एक ऐसी गौशाला में हैं जो कि बहुत ही प्रयोगधर्मी गौशाला आप कह सकते हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है दोस्तों बहुत ही शानदार, मैंने अपनी आँखों से देखा। और दोस्तों कहते हैं कि तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो दोस्तों आज प्रधान जी हैं हमारे साथ इस गौशाला के, जो कि इस प्रबंधन कमेटी के हेड हैं और जिन्होंने एक विजन लिया और इतना पुण्य और धार्मिक कार्य स्टार्ट किया आज के 20-22 साल पहले। तो आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि इस गौशाला में इस संस्था के द्वारा कौन कौन से क्रियाकलाप संचालित किए जा रहे हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। मैं कृष्णलाल तनेजा, श्री राधा कृष्ण गौशाला अर्जुन गेट का प्रेसिडेंट हूँ जी। और ये हमारे अंदर तकरीबन 2000 के अंदर एक हमारी जो यहाँ जगह थी, ये 10-10 फुट खड्डे थे जहाँ हम बैठे हुए हैं। कोई ऑफिस नहीं था, कोई बैठने की जगह नहीं थी जी। कुछ हमारे साथी विपन जी वगैरह और साथी यहाँ जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे जी। और वहाँ उस टाइम इस गौशाला कि कोई रूपरेखा नहीं थी जी। तकरीबन जितनी भी गौशाला बनी हुई है इसके अंदर बैठने की जगह नहीं थी जी। खड़े होने की जगह नहीं थी, कच्चा था, दलदल था। यहाँ जो मजदूर लोग हैं यहाँ से मिट्टी निकाल कर ले जाते थे। और ये जगह हमारे पास तकरीबन 2001 के अंदर आई जी। तो हमने एक प्रण लिया, हमने अपनी टीम, पहले भी हमारे पास रघुनाथ मंदिर हमने बनाया हुआ है, रघुनाथ मॉडर्न हाई स्कूल बनाया हुआ है जिसके अंदर 850 बच्चे हम मिनिमम फीस 100 रुपये से लेकर 500 रुपये फीस तक पढ़ाते हैं। पंजाबी सभा भी बनाई हुई है। इसी प्रकार से हमारी वो टीम थी जी। और व्यापार मंडल भी, नेहरू पैलेस भी, करनाल नगर व्यापार मंडल मेरे पास, मैं प्रेजिडेंट हूँ 25-30 साल से। तो उस टीम को मैंने राय ली और इकट्ठा करके एक यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी तो एक मंजे के ऊपर जो बाजुएं होती हैं उस बाजुओं के ऊपर हम बैठे 8-10 जने बैठ कर चारों तरफ से एक निर्णय लिया भी इस गौशाला को हमने भव्य रूप बनाना है जी।
तो तभी लोगों के मन में शंका थी, तो भाई ये इतने खड्डे हैं, इतना बड़ा चलाना पड़ेगा, कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता ना करो, फंड मैं बैठा हूँ, बाकी ऊपर परम पिता परमात्मा का हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ होंगे और सारी टीम, सारा शहर हमारा सहयोग करेगा। क्यों, शहर के अंदर पहले भी हमने जो काम किए हैं बहुत सराहनीय, बहुत अच्छे काम किए हैं, जिससे कि हमारा शहर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है और उस विश्वास को हम और अटल करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कहने लगे जी फंड। मैंने कहा जी मैं पहले दिन 21 लाख रुपया मेरी तरफ से लिखिए और ये कल आपको 21 लाख रुपया मिल जाएगा। और मेरा सर्कल बहुत अच्छा था जी। तो मैंने अपने टेलीफोन स्टार्ट किया जी। स्टार्ट करने में 70 लाख रुपया पहले दिन, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000 जी। 50,000 से कम तो हमने किसी से लिया ही नहीं, क्योंकि फंड इकट्ठा करना था जी। जब हमारे पास 70 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, 20 लाख 21 लाख मैंने दे दिया, 90 लाख 1 करोड़ रुपए के करीब हमारे पास फंड होने के बाद सबको हौसला हो गया जी। 2 साल के अंदर हमारी बनकर कंप्लीट, 3 साल के अंदर गायें रखने योग हो गई। तो गायें रखने योग उस टाइम से तकरीबन 200-250 गायें हमारे पास आ गई जी। उससे बाद हम जैसे जैसे शेड बढ़ते गए, खुरलियाँ बढ़ती गई, हमारी गायें भी बाहर से जो सड़कों पर ऐसे, फिर तो डीसी साहब से हमारे कॉन्टैक्ट हुआ। डीसी साहब ने कहा जी हमारी गाड़ी होगी कमेटी की, नगर निगम की, और आपको रोज़ जितने भी बाहर से गए हैं वो सब आपको देंगे। मैंने कहा दो, तो तकरीबन वो 500-700 ऐसे, अब बढ़ती बढ़ती आज हमारे पास 1170 गाय हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ सूरदास गाय हैं जी। इस प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था, 1 लाख रुपये पर डे खर्चा है जी। 65 वर्कर हमारे पास काम करते हैं, एक एम्बुलेंस है, 2 ट्रैक्टर हैं, 2 ट्राली हैं, 3 ट्यूबवेल हैं, 250 पंखे लगे हुए हैं, और पूर्ण रूप से हमारे यहाँ फरनेल बनती है बहुत अच्छी क्वालिटी की, बिस्कुट बनते हैं देसी घी के, उसके बाद हम गो अर्क बनाते हैं बहुत ही उमदा क्वालिटी का, 1 नंबर गौशाला का जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार का विश्वास भी है। 40 से 50 किलो हमारा बिस्कुट रोज देसी घी का बहुत देश विदेशों में भी जाता है, हर जगह। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण रूप से गायों का चारा 150 से 200 क्विंटल पर डे आजकल, और तूड़ी हमारी आज 1000 रुपये क्विंटल से लेकर 1100 रुपये क्विंटल है जी। तो पूर्ण रूप से हमने कभी शॉर्टेज नहीं आनी थी, फंड की भी शॉर्टेज नहीं आने दी। करनाल के साथ हमारे सभी साथी दानी सज्जन, ये राजा कर्ण की भूमि है, राजा कर्ण की भूमि के अंदर यहाँ वो लोग जो आते हैं वो देखते हैं, गायों की हेल्थ देखते हैं, गायों का रख रखाव देखते हैं, सफाई देखते हैं। तो इस प्रकार से वो देखते हुए वो दान के अंदर भी बहुत रुचि देते हैं जी। हमें परमात्मा की दया से डोनेशन भी बहुत आता है जी। जितना हमारा खर्चा है डोनेशन 10-20-50,000 रुपये पर डे, मतलब महीने के अंदर 1-2 लाख रुपए बढ़ता है, कम नहीं होता बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने सारे, हमारे कमेटी है, वो कमेटी की एक फ़ोटो लगी हुई है आपके सामने, सभी साथी हम मंथली भी बनाते हैं, गोलकें भी रखी हुई हैं और डोनेशन भी यहाँ भी आती है, 10 रिक्शा रखी हुई हैं, डॉक्टर रखे हुए हैं, बकायदा 2 डॉक्टर हैं हमारे पास, 1 मैनेजर है और बाकी ऑफिस वर्क के 12 बंदे हैं, लेबर क्लास जो तूड़े के लिए, चारे के लिए, काटने के लिए, दूध के लिए, इस प्रकार से अलग अलग सब लेबर हमने रखी हुई है भाई, गऊ सेवा में कोई दिक्कत ना। जो हमारी यहाँ 65 लेबर है उनको हम पारिवारिक रूप से भी मदद करते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, जब मान लो उनको कोई ऐसी बीमार तकलीफ हो गई, बुखार हो गया या कोई चोट लग गई, तो उसका पूर्ण रूप से इलाज करते हैं, चाहे उसके ऊपर 10,000 लगे चाहे 1 लाख लगे उसको चंडीगढ़ भी एडमिट करना पड़े, हम उसका खर्चा देते हैं। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसके घर में सैलरी और दूध, 1 किलो दूध हम एक परिवार को देते हैं और जो ऑफिस वर्क के वर्कर होते हैं हमारे कार्यकर्ता हैं
उनको 2 किलो, मैनेजर को 2.5 किलो और 2 वर्दी गर्मी की, 2 वर्दी सर्दी की और 1 शूज गर्मी का, 1 शूज सर्दी का हम फ्री देते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 4 वर्दी मतलब साल के अंदर हम देते हैं जी। और मेडिसन जो भी खर्चा आता है उसको हम फ्री देते हैं। बिल्कुल। इस प्रकार से हमारे अंदर दया भावना भी है जी। जो हमारे वर्कर जो हमारे गौ सेवक हैं वो गौ सेवा करते हैं, इस प्रकार से हमारी वो खुशी से, इससे गायें हमारी सेहतमंद रहती हैं, तंदुरुस्त रहती हैं। तो मैं सभी समाज का भी, करनाल वासियों का भी, बाहर के देश प्रदेश के लोग से भी पैसा आता है जी, विदेश से भी पैसा आता है जी, और दिल्ली के, चंडीगढ़ के जी, काफी कोर्ट से, हाई कोर्ट से जी, सुप्रीम कोर्ट से जी, हमारे पास जो एडवोकेट्स या जज साहब आते हैं जी, जी, तो वो यहाँ बहुत अच्छी डोनेशन देते हैं, जिसके कारण हमारी गौशाला वो देखते हैं भी वाकई काम ये जेन्युइन हो रहा है जी, इस प्रकार से वो अपना बैंक में हमारे को आरटीजीएस भी कराते हैं जी, और हमारे को फंड देते रहते हैं। मैं सभी करनाल वासियों का, सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं जी, जो कि गौशाला को योगदान देते हैं। परमात्मा उनको तंदुरुस्ती बख्शे, धन दौलत बख्शे, इस प्रकार से और वो तरक्की करें एक से अनेक। मेरा नाम विपिन शर्मा, मैं फाउंडर मेंबर इस श्री राधा कृष्ण गौशाला से तकरीबन 22 साल से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, और एक ही हमारा लक्ष्य था कि गौ माता जो शहर में इधर उधर घूम रही है उनको एक जगह इकट्ठा करके उनकी सेवा हो, वो चोटल होने से बचे, वो उनका एक्सीडेंट के जो केस आते थे वो बचे, इसकी वजह से लोगों के भी नुकसान होते थे, ये सारी सोच को लेकर एक बहुत बड़ा सारे इस संयुक्त एक टीम बनी और टीम ने ये सारा जो संस्थान है उसको बनाया है, और आज हमारे पास जो है 1170 के करीब गोवंश है जी। तो इसमें ये जो बनाने में बहुत, इस शहर का बहुत सहयोग है, सबसे बड़ा इस शहर का सहयोग है और सहयोग के साथ साथ जो जिनकी प्रेरणा महाराज ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से, हमारे गोपाल स्वामी जी है, गौ संचालक है पूरे अपने जिले की जितनी भी गौएं हैं, गौशाला हैं उनके संचालक है, उनकी प्रेरणा से, और हमारे प्रधान जी श्री कृष्णलाल तनेजा जी, जिनके मैं कहता हूँ अगर वो बंदा नहीं है, वो इंसान नहीं है इस गौशाला में, तो समझो भाई कुछ भी नहीं हो सकता था उनकी इस, इनको बनाने में देखो 7 तो ये 5 उंगलियां हैं तो 5ों का फंक्शन अलग है, लेकिन जब ये मिलके काम करती है तो इनका एक वो हाथ का रूप बन जाता है, वही हिसाब था जो हमारे कृष्णलाल तनेजा जी उनके साथ सारी टीम ने मिलकर इसके इस संस्थान को इतना बढ़िया बनाया कि आज हम 1170 गायें को का पालन पोषण हम कौन करने वाले, हम सेवा करते हैं और करने वाला तो ऊपर वाला बैठा है, तो सारे शहर के सहयोग से सभी लोग यहाँ अपने दान से जो भी है वो करके और इस संस्थान को हम आगे से आगे बढ़ाकर और इसका मतलब गौ माता की पूरी जो सेवा कहते हैं दिल से वो यहाँ होती है। सर सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे श्री KL तनेजा जी, जिनके प्रयासों की वजह से ये गौशाला आज बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही है और हजारों परिवारों को यहाँ से जुड़ करके रोज़गार मिल रहा है, पुण्य सेवा कार्य करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। और मैं श्री तनेजा के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, जय सियाराम।